Z10 News और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे देश में हो रहे चर्चा का विषय CAA के बारे में। तो चलिए मुद्दे की बात शुरू करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून एक और बार चर्चा में आ गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 7 दिनों में CAA लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड में सबसे पहले नागरिकता कानून पारित होगा, इसके बाद अन्य राज्यों में इस पोस्ट संशोधन को लागू किया जाएगा। हालांकि देश में अभी भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर से माहौल में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। इससे पहले इस कानून को लेकर बहुत बहस हो चुकी है और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये एक विवाद भरा मुद्दा रहा है, जिस पर कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये देश का कानून है और इसे हर हाल में लागू किया ही जाएगा। वहीं आपको बता दें कि CAA बीजेपी के घोषणा पत्र में सामूहिक प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राम मंदिर के बाद बीजेपी सरकार का अगला मुख्य दांव नागरिकता कानून यानी कि CAA होगा। बता दें कि CAA को मोदी सरकार ने साल 2020 में संसद में पारित करवाया था। उस दौरान देश भर में इस कानून के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी हुए थे, पर अब सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि CAA को लेकर सरकार ने पूरी योजना बना ली है और इस हफ्ते भर में सरकार इसे लागू भी कर देगी। पर गौर करने वाली बात यह है कि देश भर में इसे लागू होने को लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है? आखिर CAA कानून है क्या? तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है CAA कानून और ये कानून कब लागू हुआ। नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 में संसद में पास हुआ था। इस दौरान देश भर में CAA के खिलाफ व्यापक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए थे। 10 जनवरी 2020 को फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया। ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता देने के लिए है। कानून लागू होने के बाद इन देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकती है। बात करें इस कानून की तो अधिकारियों के अनुसार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और नागरिकता अप्लाई करने वाले में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग शामिल होंगे। लेकिन इस पर आलोचकों का तर्क है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। विरोधियों का तर्क है कि CAA कुछ धार्मिक समूहों का पक्ष लेकर और दूसरों को बाहर करके भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करता है। ऐसे में आलोचकों का डर है कि संयुक्त होने पर ये मुसलमानों के बहिष्कार का कारण बन सकता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहाँ नागरिकता धर्म के आधार पर निर्धारित की जाएगी। CAA से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुके हैं। एप्लीकेंट ऑनलाइन तरीके से ही देश में आने का समय बताते हुए अप्लाई करने के लिए वह अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही CAA से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी, इसके लिए लोग अपने मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही इसके नियम जारी किए जा सकते हैं। नियम जारी होने के बाद जो पात्र है उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी ये साफ है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो जाएगा। हालांकि आवेदकों को बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का साल बताना होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Z10 News। नमस्कार।